hello children i hope you all are good i am also good today we are going to discuss other interesting topic of sst that is going to categorize in geography chapter number 22 industrial reasons and major industry and in this chapter we are going to understand the facts where industry should be developed what are the industrial reasons and in this chapter we are also going to do the comparative studies of the major industry सो लेट स्टार्ट द चैप्टर विद द इंडस्ट्रियल रीजन्स सी बेटा एज द नेम्स अजेस्ट रीजन्स मीन्स द एरियाज बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं जिन्हें हम कहते हैं दीज आर द इंडस्ट्रियल रीजन मैनी एरियाज इन द वर्ल्ड दोज हु आर वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर साइटिंग द इंडस्ट्रीज ऐसी बहुत सारी आपको जगह मिलेंगी वर्ल्ड में इंडिया में विच आर प्रोवाइडिंग द रॉ मटीरियल मैन पावर वाटर एनर्जी वट एवर वी नीड टू इस्टेब्लिश एनी इंडस्ट्री तो जब ये सारी फैसिलिटीज़ जिस पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलती हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं तो वे स्टार्टेड टू कॉल इंडस्ट्रियल रीज़न ये दीज आर द इंडस्ट्रियल रीज़न ऑफ द कंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम डेली में ले, ले लेते हैं एन हम कहते हैं गुरुग्राम गुरुग्राम जो है आपका इंडस्ट्रियल रीज़न में आ जाता है देन आपका जो है नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया ये भी आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल रीज़न में मानेसर उद्योग विहार सो so ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन जो है आपको डेली के बाहर इंडिया में और वर्ल्ड में भी मिलेंगे दोज वू आर प्रोवाइडिंग अस द फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन टू इस्टाब्लिश इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द कोल फील्ड छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें एनर्जी के लिए कोल फील्ड चाहिए कोला चाहिए तो इसलिए वो कोल फील्ड के आसपास जो है इस्टेब्लिश हो जाती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेती हैं तो वो उसी के आसपास उनका इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होना शुरू हो जाता है अगर हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडस्ट्रीज़ की सो यू कैन सी इन द वर्ल्ड मैप दिस वर्ल्ड मैप हैज़ बिन गिवन टू यू एंड यू कैन फाइंड द ग्रे कलर दिस ग्रे कलर शो यू द इंडस्ट्रियल रीज़न जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आपको दिखेंगी इस्पेशली इफ़ यू कैन सी द ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका यहाँ आप देख सकते हो दैन यू कैन सी इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप यहाँ पर आप देखो ये इंडस्ट्रियल रीज़न आपको नज़र आ रहा है देन आफ्टर दैट फ्यू इंडस्ट्रीज यू कैन फाइंड इन द ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया ऑल्सो हेयर यू कैन ऑल्सो फाइंड

देर स्पेशलाइज देन कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं वंस अगेन यू एस जापान कैनेडा एंड ब्राजील इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं सो वंस अगेन जापान का नाम मैं कई बार देख रही हूँ बेटा यू कैन सी इन ऑटोमोबाइल इन कमर्शियल इन इलेक्ट्रॉनिक्स हेयर चाइना एंड सम ईस्टर्न एशियन कंट्रीज आर ऑल्सो देयर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करते हैं सो रशिया जर्मनी यूएस अगेन

सो वी कैन डिवाइडेड इंटू मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज एंड माइनर इंडस्ट्रियल एरिया दो कैटेगरी बनाई है हमने मेज़र जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको इंडस्ट्रीज नज़र आएंगी एंड देन माइनर इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर थोड़ी कम है इसके अलावा हमने कुछ ऐसी भी बनाई है डैट आर द डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडस्ट्रीज तो ये मैप को आप देख सकते हो हेयर यू कैन फाइंड आउट गुरुग्राम दिल्ली में मैंने आपको नाम भी बताया था देन मेरठ है अलीगढ़ है यहाँ पर आप देखो हुगली नदी के किनारे आपको नजर आएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू गया देन गुजरात टेक्सटाइल मिल के लिए बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में आप देखो शुगर के नो टेक्सटाइल मिल आपको नज़र आ जाएगी देन यू कैन फाइंड इन द बेंगलुरु ऑल्सो आफ्टर दैट यू कैन गो टू द इधर आंध्र प्रदेश रीजन ऑल्सो सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द इंडस्ट्रियल रीज़न इन इंडिया

कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन आपका हुगली रीजन है वेस्ट बंगाल में कॉटन और जूट इंडस्ट्री के लिए आपको मिलेगा आफ्टर दैट बेंगलुरु तमिलनाडु रीज़न है आपका जो कि आपको कॉटन टेक्सटाइल एंड आईटी सेक्टर क्योंकि बेंगलुरु आपकी आई कैपिटल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मिलेगा आफ्टर दैट गुजरात रीज़न ऑल्सो वी आर हैविंग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर हम बात करते हैं तो छोटा नागपुर रीजन में आपको माइनिंग इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिलेंगी दैन विशाखापट्टनम रीज़न है आपका यहाँ पे आपको मशीन टूल इंडस्ट्री एंड कंप्यूटर पार्ट्स मिलेंगे गुरुग्राम जिसे गुरुगाव यहाँ पे लिखा है ना बेटा डैट इज़ द ओल्ड नेम अभी हम इसे कहते हैं गुरुग्राम गुरुग्राम डेली मेरठ रीजन जो है लार्ज वराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी देन आपका कोलम तिरुवंतापुरम है आपका केरला में यहाँ पर आपको मशीन टूल इंडस्ट्री फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री मिलेंगी सो ये एट रीज़न इंडिया के हैं मेजर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की सो भाई आयरन एंड स्टील तो हम कहते हैं बैकबोन है क्यों बैकबोन है अदर इंडस्ट्री का सोचो क्योंकि बेटा कोई भी दूसरी इंडस्ट्री बिना इनके रन नहीं कर सकती हर इंडस्ट्री को मशीन चाहिए और मशीन कहाँ से बनेगी आयरन एंड स्टील से बनेगी सो so, इसलिए हम इसे बैकबोन भी कहते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ का क्रस कंप्राइजेज द आयरन और बहुत सारा आयरन और होता है जैसे हम स्मेल करते हैं बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेंस में ताकि उसकी इम्प्योरिटी को अलग कर सकें बाय विच पिग आयरन इज मेड देन फर्दर प्रोसेस होता है ताकि हमें उससे प्योर आयरन मिल सके सो इट इज देन द मिक्स विद कार्बन टू मेक द स्टील आयरन एंड स्टील्स आर वेरी वेरी यूजफुल मेटल विच कैन बी मोल्डेड इंटू एनी शेप शीट बना लो वायर बना लो रोल बना लो ट्यूब्स बना लो सो दे आर वाइडली यूज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री इट्स अ प्राइमरी इंडस्ट्री इट इज़ वेरी बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है तो उसकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी गज बाय द फैक्ट कैसे जज कर सकते हो आप Is fact say that the iron and steel produced by it are widely used in a large variety of products. they could delicate domestic appliances they co microwave, ho gaya, fan ho gaya, common industries, bosari machines and tools and equipment. Many iron and steel appliances you will find there. सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड रशिया हैव द लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व वाइल्ड चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूजर ऑफ स्टील अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपका यू एस जापान जर्मनी साउथ कोरिया मैक्सिको कनाडा यूके भी आता है द टाटा एंड स्टील कंपनी जिसको हम कहते हैं टिस्को इट्स अ प्राइवेट कंपनी सेटअप बाय जमशेद जी टाटा

द छोटा नागपुर रीजन इज रेफर्ड एज द रूर वैली ऑफ इंडिया रूर से कंपेयर किया गया है छोटा नागपुर प्लेट्यू को नाउ वी आर गोइंग टू डू द कंपेरेटिव स्टडी जमशेदपुर एंड डेट्रॉइड जमशेदपुर आपका है इंडिया में बेटा और डेट्रॉयट जो आयरन एंड स्टील कंपनी आपकी डेट इज इन यूएस ये इंडस्ट्रियल सिटी है So, हम बात करते हैं टिस्को की टिस्को इज लोकेटेड एट जमशेदपुर इन द स्टेट ऑफ झारखंड जो झारखंड है ना वहाँ पे टिस्को है इट वॉज विजनरी मूव बाय द जमशेद जी टाटा आप देख सकते हैं उनकी फोटोग्राफ आपको दी हुई है नाइनटीन ओ सेवन में इन्होंने सेटअप किया था एट साक्षी इन द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंटली इन द स्टेट ऑफ झारखंड तब उन्होंने यहाँ पे किया था द प्लेस वॉज लेटर नेम्ड एट जमशेदपुर इन द ऑनर ऑफ द फाउंडर सोचो तब नाम था साक्षी और आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट थी लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि बाद में उस जगह का नाम जमशेदपुर रख दिया गया इट वॉज़ द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द कंट्री अंडरलाइन कर लो आपकी जो टिस्को है फर्स्ट कंपनी है आयरन एंड स्टील में दैन इट्स सेट द पेस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितनी तेजी से इन्होंने काम किया ना इन्होंने एक कंपेरेटिव कहते हैं सबको एक कंपेरिजन दे दिया कि इतने अच्छे से आपको डेवलपमेंट करना है ऑन द अदर साइड इफ़ वी आर गोइंग टू कम्पेयर द डेट्रॉड डेटराइड भी आपकी इंडस्ट्रियल सिटी है यू एस में इट इज़ लोकेटेड इट द मिड वेस्टर्न स्टेट ऑफ मिशिगन मिशीगन में है ये it is one of the greatest industrial centers in the world which is often known as motor city also Motor City it is also having the major seaport detroit is located on the bank of detroit river which connects the lake erie in the south with the lake saint clair in the north 1825 में देखते बेटा द सिटी बिकेम अ मेजर कमर्शियल हब विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे मूव टू द डेट्रॉइड फ्रॉम दर्न यू एस आते थे यहाँ पे जॉब फाइंड आउट करने के लिए कि हमें यहाँ पे नौकरियाँ मिल जाएंगी 1865 में इट स्टार्टेड टू बिकम एन इंडस्ट्रियल हब एंड देन द फैक्टर्स डेट मेड इट अ वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल सेंटर आर अवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन ओर क्यों ये हब बन गया वहां पे इतना ज्यादा कैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो गई क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल था कोल अवेलेबल था ऑयल अवेलेबल था वाटर अवेलेबल था पावर नेटवर्क ऑफ मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इट इज द होम टू द स्किल्ड लेबर इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डिजाइन इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट एंड अदर वर्कर तो अगर आप देखोगे डट्रॉइड में तो ये सारे स्पेशलाइज्ड स्किल्ड लेबर आपको मिलेंगे यहाँ फॉर्ड आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ द मैप एंड हेयर इट इज़ डिस्ट्राइड एंड इन द इंडियन मैप यू कैन सी दिस इज द जमशेदपुर नाउ द प्लेस वॉज चोजन आफ्टर द सर्वे ये मैं बात कर रही हूँ अब जमशेद जी की जमशेदपुर की ये जो प्लेस था ये क्यों चूज़ किया गया था इसे बहुत ज़्यादा सर्वे किया गया था लुकिंग एट द फेवरेबल फैक्टर्स जमशेद जी टाटा ने ये सर्वे करवाया था उन्हें ये पता चला कि यहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी है आयरन ओड की कोल की मैगनीज की विच आर द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड एज़ वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सप्लाई ऑफ वाटर और वाटर उन्हें कहाँ से मिल रहा था वाटर उन्हें मिल रहा था वहाँ पर पास में थी एक खरकाय एंड एज वेल एज़ स्वर्ण रेखा रिवर ये दो रिवर्स थी इनसे इन्हें वाटर मिल रहा था एंड दिस प्लेस वॉज वेल कनेक्टेड टू द कोलकाता ऑल्सो presently dekhe, this is connected by the road railways airways etc this is one of the well managed steel company in our country it produces steel at a very cheap rate it also owns several iron ore mines and flux mines located near the plant तो इस तरीके से अगर आप देखोगे इन्हें फेवरेबल क्लाइमेट फेवरेबल चीज़ें मिल रही थी डैट्स वाई यहाँ पर जमशेद जी टाटा ने डिसाइड किया टिस्को को प्लांट करने का डेट्रॉइट पे चलते हैं तो डेट्रॉइट गॉट अ फिलिप ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर व्हेन मिलिट्री प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड हेयर तब इसकी जो है ना इम्पॉर्टेंस बढ़ी क्योंकि लिटरी प्रोडक्ट्स जो आपके थे इक्विपमेंट्स थे टूल्स थे वेपन्स थे वो बनाने शुरू हो गए यहाँ पे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इट गेन द निक नेम इसको निक नेम दिया गया पता है क्या नाम दिया गया था दैट इज द अर्सनल ऑफ डेमोक्रेसी फॉर प्रोड्यूसिंग द मेकनाइज वेपनरी बहुत ज़्यादा यहाँ से वेपन बने थे प्रेजेंटली इट इज़ वेल नोन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार ट्रक्स मोटर्स हो गए बुलडोजर हारवेस्टर रेडार्स कंप्यूटर पार्ट्स एक्सेट्रा डेट्रॉट इज वेल नोन एज द ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अंडरलाइन कर लो विच प्लेस इज नोन एज ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड दैट इज डेट्रॉइड पॉपुलर ऑटोमोबाइल मैनुफेक्चर लाइक फोर्ड मोटर्स फोर्ड मोटर्स के तो सुना ही होगा आपने फोर्ड कार्स का जनरल मोटर कारपोरेशन अमेरिकन मोटर कारपोरेशन हैडक्वार्ट अब अगर हम जमशेद जी का देखते हैं दोबारा से जमशेद नगर का तो आप ये देखो इट्स रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑफर सर्विसेस बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को ऑफर करते हैं कंपनी प्रोड्यूस ओवर सेवन मिलियन टनस ऑफ स्टील एंड हैज प्लान टू एक्सपेंड फर्दर ऑल्सो कम नहीं होता बेटा इतना सेवन मिलियन टन स्टील वो बना रहे हैं द सक्सेसफुल सेटिंग अप ऑफ द टिस्को लेट टू दिटिंग अप ऑफ अदर मेजर इंडस्ट्री ऑल्सो अब वो कौन सी इंडस्ट्री है जो इसकी हेल्प से आगे बनी दैट इज द टेलकोट टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव कंपनी टेलको विच मैनुफैक्चर द हैवी वहीकल्स जो हैवी व्हीकल्स होते हैं ना आपके कंस्ट्रक्शन में या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें यूज होते हैं टाटा रॉबिन फ्रेजर्स है आपका देन एग्रीको है द टाटा योथ है लिमिटेड है देन आपका इसके बाद द प्रैक्सियर है द ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी है द लेफरेज सीमेंट इंडस्ट्रीज है बहुत सारी वन आफ्टर अनदर, द इंडस्ट्रीज हैज़ बीन सेटअप इन एडिशन टू दीज मैनी अदर वेल नोन कंपनीज आर ऑल्सो इस्टेब्लिश बाय द टेस्को टाटा ने और भी कंपनीज को इस्टेब्लिश किया है फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ए बी बी टी सी एस एल एन टी एस एंड एल एस एम एस इटालियन प्लान एक्सेट्रा अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आर लोकेटेड इन द आदित्यपुर इंडस्ट्रियल स्टेट, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल स्टेट, विच वॉज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब ए नोएडा नियर डेली वॉज सेटअप जब तक नोएडा नहीं बना था ना बेटा तब तक आदित्यपुर जो था इंडस्ट्रियल हब था उसके बाद नोएडा में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई फुल मैंने आपको बताई थी एन न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया तो इसको हमेशा याद रखना मूविंग टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेकिन उससे पहले आप ये देखो बेटा आपको फॉर्ड मोटर कंपनी का एक पिक्चर दिया हुआ है देख रहे हो आप यहाँ पे ये यूएस में है आपका और अगर आप देखोगे तो आज की डेट में डेट्रॉयड को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा है यूरोपियन और जापानीज इंडस्ट्रीज से जो जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है ना वो भी बहुत आगे बढ़ चुकी है एंड इंटस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हेयर हैज़ टू द डिप्लेशन ऑफ इट्स आयरन और रिजर्व ये एक थोड़ा सा सेटबैक है डेट्रॉड का कि डेट्रॉड में क्या हुआ कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होने लग गई इसकी वजह से जो आयरन और रिजर्व था ना उसकी क्वालिटी में कमी आने लग गई है तो अब ये डिट्रॉइट रीजन जो है कॉम्पिटिशन को फेस कर रहा है अब कॉटन इंडस्ट्री पे आते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखोगे सो इट मीट्स आर बेसिक नीड्स ऑफ कवरिंग द बॉडी क्लोथ इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड आपको पता चलेगा बेटा जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की देखोगे ना यू विल फाइंड द ट्रेसिस ऑफ द कॉटन देयर सो हिस्टोरियन सेट एट दैट टाइम कॉटन वॉज प्रोड्यूसिंग हेयर सो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन होने से पहले कॉटन वॉज स्पन यूजिंग द स्पिंडल और व्हील और क्लॉथ वॉज प्रोड्यूस चरखा देखा है ना तो उससे हमारा कपड़ा बनता था धागा बनता था फिर कपड़ा वुवन होता था वेन द पावर लूम वॉज इन्वेंटेड दिस इंडस्ट्री सॉ द रैपिड ग्रोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया डिड नाट रिमेन आनट बाय इट टुडे इंडिया चाइना एंड जापान दीस थ्री कंट्री आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की देखते हैं सो इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इंडिया वंस अगेन ये फैक्ट आपको याद रखना है बेटा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रायर टू इंडिपेंडेंस अगर आप देखते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स वर इन द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा था लेकिन ब्रिटिश आए फिर ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब हमें कंपटीशन दे दिया और फिर हमारा ओवर यूज किया कॉटन को इंडियन क्राफ्ट जो था उस समय बैडली हिट हो गया बट फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन मुंबई इन एटीन फिफ्टी फोर वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच कैन कम इन टू द क्वेश्चन फॉर्म कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कहाँ सेटअप हुई थी मुंबई और उस समय तो इसका नाम बॉम्बे था इन 1854, फिफ्टी फोर मोर ऑफ दैम वर् सीटअप इन एंड अराउंड द मुंबई इन द लास्ट ईयर एंड द लेटर ईयरस अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन है यहाँ पे चीप लेबर हैं आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन है कोस्टल रीजन है सो so, इसलिए यहाँ पे ये इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करती है दिस इंडस्ट्री सॉ अ गुड ग्रो इन द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी स्पेशली जब ये टू वर्ल्ड वॉर हुए थे ना वन मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश एंड जेपनीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर क्लोज डाउन वर बिजी इन मेकिंग द आर्म वेपन एट दैट टाइम इंडियन टेक्सटाइल वोमडाउट बट इन नाइनटीन फोर्टी सेवन ड्यू टू दार्टीशन ऑफ इंडिया दिस इंडस्ट्रीज़ सफर्ड अ लॉट बिकॉज मोस्ट ऑफ द एरिया नाउ वेन टू पाकिस्तान वे लॉन्ग स्टेपल कॉटन वॉज ग्रोन तो हमारे पास वो एरिया अब नहीं रह गई थी उस समय हमें यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आफ्टर इंडिपेंडेंस वंस अगेन वी हैव स्टार्टेड द इंडस्ट्री एंड देन गुड ग्रोथ वी हैव डन इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु क्योंकि वहाँ पे हमें आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन मिली और फिर से प्रिवेल किया हमने एज आर्टिफिशियल क्लाइमेट कंडीशन कैन बी क्रिएटेड इन द मॉडर्न मिल्स कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैव हैल्सो बीन इस्टेब्लिश आउटसाइड ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑल्सो सो so, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया है वी आर गोइंग टू चेक द डाटा ऑफ 2013। थाउजेंड थर्टीन सो एज ऑफ टू थाउजेंड थर्टीन आर नाइनटीन हंड्रेड लार्ज टेक्सटाइल मिल्स इन आर कंट्री एंड इन एडिशन टू द थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मिल्स आर ऑफ द लार्ज मिल्स एटीन आर इन द प्राइवेट सेक्टर एंड रिमेनिंग इन द पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स द इंडियन क्लाइमेट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल बिकॉज इट कीप्स द बॉडी कम्फर्टेबल और हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कॉटन टेक्सटाइल को हावर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैन मेड फाइबर आर ऑल्सो देयर जो इसको कॉम्पिटिशन दे भी रहा है बट स्टिल कॉटन फाइबर रिमेन्स द डोमिनेंट अमंग्स देंट कॉटन को रिप्लेस करना आसान बात नहीं है इंडिया इज नाउ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द फिनिश्ड कॉटन टेक्सटाइल गुड्स गारमेंट्स वाइल अर्लियर इट एक्सपोर्टेड द रॉ कॉटन एंड यान फॉर अ मेजर शेयर लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि नहीं इंडिया में जो है विविंग सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए डिस किया जाए और यहीं पे फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाए सो डैट मैक्सिमम लोगों को जो है जॉब मिल सके अदरवाइज पहले तो हम अपना यान बेच देते थे फिर फाइनल गुड्स बना के जापान और दूसरी कंट्रीज हमें बेचती थी तो इसलिए अब पॉलिसी को चेंज किया गया और अब हम अपने कपड़े का गारमेंट्स खुद बनाते हैं मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम डैट चाइना जापान पाकिस्तान बांग्लादेश वो भी इस फील्ड में है और हमें टफ कंपटीशन दे रहे हैं देन एक कंपेरेटिव स्टडी आ गई है अहमदाबाद और ओसाका की और ये दोनों ही रिलेटेड हैं बेटा आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ओसाका जापान में अहमदाबाद इंडिया में अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे लोकेटेड है इन गुजरात मेजर टेक्सटाइल सेंटर है एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द काटनो पॉलिस ऑफ इंडिया कॉटन पॉलिस इट्स फर्स्ट टेक्सटाइल मिल द कैलिको मिल वॉज सेटअप इन 1864। और तब से इस सिटी में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है and the city become the second largest textile city in india its favorable condition include proximity to the cotton growing region as well as hot and humid climate then hot and humid climate is very suitable for the cotton textile then it is having the large or semi-skilled manpower availability of hydroelectricity to run the looms so densely populated states are Gujarat and Maharashtra, and network of efficient means of transportation and communication. So these all favourable condition provide the best situation for the establishment of cotton textile industries. These factors have made it premier manufacturing centre, which produces over twenty percent of India's textile. Or at present, if you see, सो ओवर फिफ्टी मिल्स आर इन अहमदाबाद द स्मॉलर इन साइज देन दोज ऑफ मुंबई येट इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन आज भी देखोगे ना तो इसका जो कॉटन टेक्सटाइल है वर्ल्ड में एक अच्छी क्वालिटी के रूप में जाना जाता है यू कैन सी द मैप एंड दिस इज़ द अहमदाबाद अहमदाबाद इज़ नॉट अ कैपिटल ऑफ गुजरात बट यह इस दर टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर है आपका नाउ मूविंग टू द उाका उका की बात करते हैं तो जापान जिसे हम पहले यूनिक कंट्री कहते हैं ये डेवलप्ड कंट्री है एशिया की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स इन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है इट लैक्स द नेचुरल रिसोर्स ये एक बात है जापान के पास इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स नहीं हैं बट इट हैज़ मेड द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट स्पेशली इन द पीपल्स हार्डवर्क लोग बहुत ईमानदार हैं बहुत मेहनती हैं ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं इसलिए जापान तेजी से डेवलप्ड हो रहा है दवा उसके पास मिनरल भी नहीं है इतने अच्छे रॉ मटेरियल भी नहीं है और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आइलैंड का कॉम्बिनेशन है जापान बट दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे फेस द मैसिव डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पे जब यूएस ने दो बॉम्ब गेरे थे उसके बाद तो जापान की बहुत बुरी हाल हो गई थी वास्ट डिस्ट्रक्शन देखा था जापान ने और आज देख लो जापान को वंस अगेन द जापान इज द डेवलप नेशन ओसाका इज द लार्ज पार्ट और लार्ज पोर्ट सिटी इन द जापानीज आइलैंड और कौन सा आइलैंड है वो हॉन्शो हॉन्शो में है ओसाका सिटी आपकी इट इज पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस आल्सो एंड एज वेल एज द पीपल एंड द लार्ज इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेंटर जो है वो भी यहाँ पर डेवलप है इस पोर्ट इज अमंगस्ट द बिजिएस्ट पोर्ट विच हेल्प इन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स सो पोर्ट फैसिलिटीज भी मिल रही है इन्हें यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हो रही है यहाँ पर अच्छे से इस वजह से उषाका जो है बहुत अच्छे से ग्रूम कर रहा है उषाका वेल सपोर्टेड बाई द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो इसलिए क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है अवेलेबिलिटी है चीप विमेन टेक्सटाइल तो विमेन वर्क फोर्स है ना यहाँ पे टेक्सटाइल में उनकी अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इट मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री द गवर्नमेंट टू हैज गिवन द सेवरल फैसिलिटीज टू दिस इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना इजिप्ट एंड यू एस यहाँ से रॉ मटेरियल ला कर फिर ये फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं यू कैन सी हेयर दिस रेड डॉट जापान का नक्शा और यहाँ देखो ये आपका ओसाका है अब आप यहाँ देखो नीचे ऑफ लेट अहमदाबाद इज फेसिंग अ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल एल्सवेयर इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द कॉटन मिल्स स्टिल हैव ओल्ड मशीन अहमदाबाद को अपने ही देश की अब न्यू मशीनरी और न्यू इंडस्ट्री से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है यू कैन सी दिस पिक्चर दैट इज़ द कैलिको टेक्सटाइल मिल अहमदाबाद एंड दिस इज़ योर उसाका पोर्ट ना अगर आप देखोगे अपना अहमदाबाद को सो so, अहमदाबाद आज की डेट में अगर आप देखते हो सो so, उतनी ज़्यादा डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा अच्छी क्वालिटी में दिस इज़ थ्रोइंग दिस मिल्स आउट ऑफ कॉम्पिटिशन दिस हैज़ कॉल द डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ द सिटी एंड लीडिंग टू डिक्लाइन इन द इम्प्लायमेंट ऑल्सो अब नई नई मशीनरी आ रही हैं नई नई प्रोडक्शन हो रहे हैं तो उस कंपटीशन को फेस ना करने के कारण छोटी छोटी जो आपकी मिल्स हैं वो शट डाउन हो गई हैं और शट डाउन होने के कारण वहाँ से जो एम्प्लॉयमेंट था वो भी खत्म हो गया लोगों की नौकरी छूट गई है सो नाउ अहमदाबाद हैज़ टू फेस द लार्ज नंबर ऑफ द कॉम्पिटिशन ओसाका की बात करते हैं एज इट लैक्स द रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अदर इंडस्ट्रीज़ हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन ओसाका क्योंकि ओसाका को क्या है रॉ मटेरियल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दूसरे देशों से लेना पड़ता है तो अब ओसाका में आप देखोगे तो आयरन एंड स्टील मशीन्स टूल्स शिप बिल्डिंग ऑटोमोबाइल सीमेंट केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये इंडस्ट्रीज ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रही हैं सो so, दोनों ही जिनको हमने स्टडी किया अहमदाबाद और ओसाका आज मॉडर्न टाइम में दोनों ही न्यू कॉम्पिटिशन को फेस करके कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही हैं अब चलते हैं हम तीसरे टाइप की इंडस्ट्री की डेट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वंडर मशीन किसको कहते हैं हम कंप्यूटर को कंप्यूटर को तो ऐसा लगता है जैसे तूफान ले आया दुनिया में है ना इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज द वेरी आइडिया ऑफ लिविंग एंड ट्रांजेक्टिंग आज तो ऐसा लगता है बेटा कि विदाउट कंप्यूटर वी कैन नॉट सर्वाइव इज इट It has helped to carry out many, many functions and operations of our life. Safety of the world seems to have been enslaved by it fully. That's computer we totally depend on the computer. It doesn't depend on but now we depend on Information technology, IT, has entered almost every field of life. It helps us to process, store and distribute the information. I am passing you the information. You are looking at me. Online classes you are finding. These all are the revolution because of the IT sector. Great speed pin network IT has become very crucial factor in almost every industry. It has a tool which saves a great deal of labor, time, space and energy. सो द आई इंडस्ट्री जो है आज की डेट में आप किसी भी इंडस्ट्री को इसके बिना इमेजिन नहीं कर सकते इन इंडिया ऑल्सो आई टी कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कॉम्पोनेंट्स आई टी सर्विस एंड बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेसिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बी पी ओ इन दो में हमने इसे कैटेगराइज किया है दिस इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट इन इंडियाज जी डी पी डे बाय डे इसका जो जीडीपी है कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है 1.2 परसेंट जो 1998 में था 7.7 परसेंट हो गया है 2017 में एग्रीगेट रेवेन्यू अर्न फ्रॉम दिस इंडस्ट्री अमाउंट यूएस डॉलर ऑफ 160 बिलियन इससे हम कमा रहे हैं चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे आपका डोमेस्टिक रेवेन्यू हो इट्स ग्रोइंग बाय थर्टीन परसेंट एनुअली सो अगर आप आईटी एक्सपोर्ट्स को देखोगे इंडिया से टू द यूएस, बहुत ज़्यादा है एट प्रेजेंट दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू ओवर सेवन मिलियन पीपल इन द कंट्री अब आप देख लो अगर आई सेक्टर गायब हो जाएगा तो सेवन मिलियन पॉपुलेशन इसको इन्होंने जॉब दे रखी है सो रैपिड एडवांसमेंट हो रही है हर चीज़ में सो so इंडस्ट्रीज में वेरिएशन भी है विद द पासेज ऑफ टाइम देर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन द इंडस्ट्री इन रेवेन्यू इन एम्प्लॉयमेंट कीप की रेगुलरली विच आर इन ट्यून विद द फाइनेंशियल चेंजेस डेट द वर्ल्ड विटनेस इंडिया येस इंडिया पॉजिज इज अली स्किल्ड मैन पावर डैट कैन डील इन द डिफरेंट आई टी रिलेटेड सेक्टर अगर आप देखोगे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड आपको लेबर मिलेंगे और मुझे तो लगता है बेटा आजकल बच्चे पैदा होते ही बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को और मोबाइल को सीख जाते हैं और हमसे ज़्यादा शायद आप लोग मोबाइल को चलाते हैं सो आई टी रिलेटेड सर्विसेज इंडिया में देखोगे इट बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन दिस फील्ड द आई टी इंडस्ट्री इन आर कंट्रीज चीफली सेंटर इन द बेंगलुरु हैदराबाद मुंबई पुणे चेन्नई डेली नोएडा एक्सेट्रा तिरुवंतापुरम चंडीगढ़ दे आर द इम्पॉर्टेंट आई टी सेंटर ऑफ द इंडिया ना मूविंग टू द कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल्सो कम्पेयर कर लेते हैं सो so बेंगलुरु को कंपेयर करेंगे हम सिलिकॉन वैली से दोनों ही आई टी सेक्टर हैं बेंगलुरु द कैपिटल ऑफ कर्नाटका कर्नाटका इंडिया का स्टेट है इट विटनेस अ मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर सो इट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड सो इट प्रेजेंट अ साउंड वर्किंग कंडीशन फॉर द आई टी सेक्टर सिलिकॉन वैली की अगर हम बात करते हैं सो इट्स अ रीजन लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को बे डैट इज एरिया इन कैलिफोर्निया तो यहाँ पर है कैलिफोर्निया में दिस रीजन कंप्राइज़ द सिटी ऑफ पालो आल्टो एंड मैंटलो पार्क एक्सेट्रा नाउ बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु में क्योंकि ऑल फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन है सो दिस इज द रीजन दैट इट वॉज पेंशनर फेवरेट प्लेस टू लिव अ पीसफुल रिटायर्ड लाइफ बट विद अ टाइम इट हैज़ विटनेस द ग्रोथ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन लोगों को ये लगता है नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है आराम से पेंशन लो और बेंगलुरु में जाके सेटल हो जाओ बट बेंगलुरु जो है हब बन चुका है किस चीज़ का हब बन चुका है एजुकेशन का साइंटिफिक रिसर्च का It also grew as an important industrial reason. Important industries, if you see, if you will pharmaceutical, textile, footwear, agricultural equipment, watches, paper, etc. It was also a preferred destination for many of public sector companies: Hindustan Machine Tool (HMT), Bharat Electronic Limited Bell, and Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL), Indian Telephone Industries (ITI). देन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा इसकी हम बात करेंगे डैट इज इजरो सब भी यहीं पे हैं अब हम बात करते हैं वंस अगेन यहाँ पे आते हैं सिलिकॉन वैली पे सो रेडवुड सिटी आपने देखी है दैट सेंटा क्लारा माउंटेन व्यू एंड सनवेर तो अगर आप देखते हो द टर्म सिलिकॉन वैली वॉज क्वाइंट बाय डॉन हल्फर, अ जर्नलिस्ट उन्होंने ये नाम दिया था इट इज़ वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन इन द वेस्टर्न यू एस एंड इट इज़ होम टू द इंडस्ट्री इन हाई टेक्नोलॉजी इन इनोवेशन एंड सोशल मीडिया ये सब आपको यहाँ मिलेगा वंस नोन फॉर एप्रीकॉट वॉलट एंड अदर फूड बहुत पहले न सिलीकॉन वैली को इसलिए जाना जाता था कि यहाँ तो बहुत सारे फ्रूट होते हैं एप्रीकॉट है वॉलट है आज सिलिकॉन वैली को हम किस लिए जानते हैं साइंस पार्क के लिए दिस रीज़न इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स यूनिवर्सिटी साइंस पार्क तो इन्होंने डेवलप किए हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी डेवलप की हैं डेट इज़ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वर्ल्ड की दो फेमस इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी सिलिकॉन वैली में है वंस अगेन आप यहाँ देखो ये आपका सिलिकॉन वैली है यूएस में और ये आपका बेंगलुरु है सिलिकॉन वैली को देखते हैं तो इट वॉज फाउंडेड बाय द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे फाउंड किया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूनिवर्सिटी सेटअप द स्टैनफोर्ड रिसर्च पार्क इन नाइनटीन फिफ्टी वन एंड इनवाइटेड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हेयर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को क्यों लाए थे टू सेटअप दियर फर्म्स इवन दे प्रोवाइडेड द लैंड अदर फैसिलिटीज़ भी दी गई इन कंपनीज को दिस प्रोजेक्ट वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ किसका दिमाग चला था कि भाई सिलीकॉन वैली को मैं ये हब बना दूँ इतनी इंडस्ट्रीज को इन्वाइट कर दूँ ये दिमाग था प्रोफेसर फ्रेडरिक एमन स्टर्मन का ही इज़ देअर फॉर कॉल द फादर ऑफ द सिलीकॉन वैली अंडरलाइन कर लो फिर से वन मार्कर क्वेश्चन है आपका द सिलीकॉन वैली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकन आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर विद्रल जॉइंट आई टी कंपनी मैं नाम बोलूँगी ना आप सुनते जाना सब सिलिकॉन वैली में है यस, इंटेल एप्पल कंप्यूटर देन हाउ लिफ्ट पैकर देन आपका

इनको जॉब दे रखी है इन्होंने एंड दिस वैली हैज़ लेड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन पर्टिकुलरली एंड द यू एस इन जनरल सिलिकॉन वैली की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है यू एस में प्रेजेंटली अगर आप देखते हो सिलिकॉन वैली इट इज़ विटनेसिंग सम डिक्लाइन अब इसमें क्यों डिक्लाइन आ रहा है कमी क्यों आ रही है बिकॉज द लैंड मैन पार एंड अदर फैसिलिटीज इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि जो बहुत सारी कंपनीज जो चाहती हैं कि हम अपना इंडस्ट्री जो है सिलिकॉन वैली में इस्टेब्लिश करें अब वो वहाँ नहीं आ पा रही हैं ऑल्सो देर आर सेवरल कंट्रीज वेयर आई टी प्रोफेशनल्स हैव ग्रोन वेल अब बहुत सारी अदर कंट्रीज़ भी ये फैसिलिटीज़ देने लगी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो वर्ल्ड के हर पार्ट तक पहुँच गई है इसलिए वो बहुत सारी कंपनीज अब दूसरी कंट्रीज़ की तरफ मूव हो रही हैं और शिफ्ट हो रही हैं वंस अगेन हम यहाँ आते हैं अपने बेंगलुरु पे सो बेंगलुरु को देखो बेटा टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैव मेड अ प्रोमिनेंट सेंटर वेयर ट्रेंड आई टी मैन पार इज अवेलेबल सो बेंगलुरु इमर्ज एज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर फॉर आई टी इंडस्ट्री इन द कंट्री एंड बिकॉज ऑफ दिस इट ऑल्सो अंड नेम दैट इट इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया Or the information capital of India. The IT industry started to develop here in the late 1970s. The UN has ranked it as the fourth best global hub of technological innovation. So, great honor to us. The city has the highest number of software companies in the country with about

Prominent IT companies jo hain, jo located, and that is Infosys, Wipro Technologies. besides that, we have other MNCs also PwC, GE, IBM, Intel, then Motorola, Hewlett Packard, and Sun Microsystem, which have their offices in the development facilities here. The IT industry in Bangalore has helped the world to take notice to India's talent. इंडिया में क्या है बहुत कुछ एट प्रेजेंट इंडिया आई टी प्रोफेशनल्स आर एट इन लुकड है ऐसा भी हो सकता है इंडिया कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स नाउ दे आर द गुड एंड क्वालिफाइड आई टीस वर्ड दिखता है हमारी तरफ बहुत हैरान होकर बेंगलुरु इज फेसिंग द सीरियस प्रॉब्लम दीस डे इन दिटी ट्रांसपोर्टेशन owing to the large number of vehicle कम्यूट तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आ रही है दिस कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द फर्दर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एट दिस प्लेस वी नीड टू वर्क ऑन डैट बट स्टिल वी आर हैविंग द ग्रेट आई टी एन्स इन इंडिया दैट्स द गुड थिंग नाउ सिलिकॉन वैली को एंड के बाद हम आते हैं यहाँ पे यू एस पे सिलिकॉन वैली क्या हमारी बेंगलुरु और ओरिजिनल सिलिकॉन वैली है आपकी यूएस में कैलिफोर्निया में तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंपनी जो है ये एरिया जो है जो एक्सपेंसिव हो चुकी है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है क्योंकि जो कंट्रीज हैं इंक्लूड इंडिया एंड चाइना दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सेंटर चीप लेबर चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड तो जो लोग पहले यहाँ जाना चाहते थे कि भाई हम कैलिफोर्निया में सेटअप करेंगे नाउ दे आर शिफ्टिंग टू द इंडिया एंड चाइना दिस हैज़ बेनिफिटेड द ग्रोथ ऑफ आई टी इंडस्ट्री इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रादर दैन द कैलिफोर्निया और द सिलिकॉन वैली सो दिस वॉज द कंपेरेटिव स्टडी Now, in addition to above, several other industries are also there which are in India and the world which give the great development to the countries. These include cement industry, paper, chemical industry, engineering industry, medicine industry, biotechnology, etc. So, this industry is very well developed in India maybe, and as well as the world. Maybe. Let's do the quick revision what we have learnt in this chapter. First, we talked about the industrial reason developed hota hai, where the favorable conditions are providing for industry then there are large number of major and several minor industrial area in india the iron and steel industry is a basic industry and it is started in india with the setting up of TESCO at jamshedpur The iron and steel industry is the basic industry and is basis for the development of progress of country आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस जमशेदपुर इन इंडिया एंड डेट्रॉइट इन यू एस दे आर द लीडिंग सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देन द टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद एंड उसाका अहमदाबाद इन इंडिया उषाका इन जापान वी हैव डन द कम्पेरेटिव स्टडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमने एंड किया था कि ये रिवोल्यूशन है पूरे वर्ल्ड में और टू इम्पॉर्टेंट सेंटर जो आई के हैं डेट इज़ बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली और बेंगलुरु और इंडिया चाइना और अदर कंट्री इस समय सिलिकॉन वैली को टफ कॉम्पिटिशन दे रहे हैं सो डैट्स एंड फॉर द चैप्टर आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ इट्स योर टर्न डू द एक्सरसाइज केयरफुली